सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितेश। आप देख रहे हो मी टॉक्स। फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरा चैनल पे फिर से। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो हमारे डेस्कटॉप हो या फिर अपना लैपटॉप हो, स्क्रीन को रिकॉर्ड करने के लिए एक रिकॉर्डर चाहिए होता है, और आज मैं उसी के बारे में बात करने वाला हूँ। जो टॉप मोस्ट स्क्रीन रिकॉर्डर है, उसको हम फ्री में डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल करके दिखाएंगे कैसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, रिकॉर्ड कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बता देता हूँ जो कैसे शुरू करते हैं प्रोसेस। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं करता हूँ हमेशा करता हूँ एक गुजारिश कि अगर आप मेरा चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ मेरा बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि मेरा फ्यूचर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे, क्योंकि मैं इस तरह का रेगुलर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं अभी आज का वीडियो। तो क्या करना, पहले आपको एक ब्राउज़र खोल लेना है, कोई भी ब्राउज़र हो, मोजिला, फायरफॉक्स, जो भी ब्राउज़र है वो ब्राउज़र खोल लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना साइबर लिंक, यहाँ पे साइबर लिंक, गूगल में साइबर लिंक लेके सर्च करना है। जब भी गूगल में साइबर लिंक लिख के सर्च करेंगे तो आपका जो सामने बहुत सारा वेबसाइट आएंगे, देखिए सबसे ऊपर में लिखा हुआ साइबर लिंक अनलिमिटेड सर्विस, उसमें आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो इसमें क्लिक करने के बाद, इस वेबसाइट में विजिट करने के बाद, यहाँ पर आपको फिर से जो ऊपर में लोगो दिख रहा है साइबर लिंक का, आपको उसमें क्लिक करना है। तो मैं करता हूँ फटाफट, इसमें क्लिक करता हूँ, और इसमें क्लिक करने के बाद मैं ऑटोमेटिक होम पेज में चला जाऊंगा, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ से करता हूँ नो थैंक्स, और इसको बाद देखिए लिखा हुआ यहाँ में सबसे ऊपर में, जो यहाँ में मैं इसको कैंसिल करता हूँ, और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में उसमें हमको ढूंढ लेना है स्क्रीन रिकॉर्डर। तो यहाँ पे मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर, उसमें मैं क्लिक करने करता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्लिक करने, स्क्रीन रिकॉर्डर में क्लिक करने के बाद देखिए आपको इस तरह का डैशबोर्ड दिखेगा। तो आपको क्या करना है, अगर आप प्रीमियम लेना चाहते हो प्रीमियम ले सकते हो, मुझे फ्री डाउनलोड, तो मैं इसमें फ्री डाउनलोड में क्लिक करूँगा। यहाँ पर अपना मोबाइल आईडी, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड अगर आप देना चाहते हो तो आप दे सकते हो, जो भी मांगा गया है। उसके बाद आपको एग्री में क्लिक करना है। जब भी इसमें क्लिक करें तो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मैं पहले से ही डाउनलोड करके रख चुका हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने जो डाउनलोड किया है। मैंने इसमें डाउनलोड में करके रखा था, मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मैं चला जाऊँगा, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा डाउनलोड में, तो मुझे वो दिख जाएगा, ठीक है। डाउनलोड में चला जाऊँगा तो यहाँ पर देखिए मेरा जो है वो डाउनलोडर है, ठीक है। साइबरलिंक स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोडर ये है, ठीक है। तो मैं इसको शुरू करता हूँ, इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको इसमें यस करना है, एक ऑप्शन आएगा आपको यस करने का, तो वो आपको ऑप्शन को यस कर देना, ठीक है। तो उसमें क्लिक करने का देखिए ऑटोमेटिक आपका डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा, और डाउनलोड होते होते कम से कम 300 से ऊपर MB दिखे, मेरा ये डाउनलोड हो चुका है मेरा। मैं थोड़ा फास्ट मोड में डाल दिया था इसलिए मेरा डाउनलोड जल्दी से मैं करके दिखा दिया, 300 MB का डाउनलोड है, वो आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। डाउनलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ में लिख के नीचे लिख के आ रहा है इंस्टॉल नाउ, आपको क्या करना है इंस्टॉल नाउ में क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ में क्लिक करने के बाद देखिए आपका ऑटोमेटिक इंस्टॉलेशन होना शुरू हो जाएगा, लगभग 1-2 मिनट लगता है इसको इंस्टॉल होने में। तो आपको क्या करना है, इसको इंस्टॉल कर देना है, ठीक है। तो मेरा ये इंस्टॉल हो चुका है, देखिए मैं यहाँ पर करता हूँ इसको नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने और प्रोसेस आएगा, वो प्रोसेस आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या प्रोसेस। आपको यहाँ पे जो टर्म्स एंड कंडीशन है इसको आई एग्री कर देना है, और आपका इंस्टॉलेशन, पूरा इंस्टॉलेशन, पहले एक्सट्रैक्ट हुआ था, अभी इंस्टॉलेशन होना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो ये कम से कम 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको इंस्टॉल होने में, और उससे ज़्यादा भी लग सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। आपका प्रोसेसर के हिसाब से वो डाउनलोडिंग स्पीड आपका रेगुलेट करेगा, ठीक है। तो मेरा ये लगभग इंस्टॉलेशन हो चुका है, मैं देख लेता हूँ मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस, देखिए मेरा इंस्टॉलेशन प्रोसेस हो चुका है, थोड़ा सा बाकी है। देखिए इंस्टॉल होने के बाद मैं इसको कहता हूँ लॉन्च करता हूँ, ठीक है। तो इसको लॉन्च करने के बाद मैं आपको दिखा दूंगा इसका क्या प्रोसेस है, मतलब कैसे दिखता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ लाइसेंस के लिए बोला गया, तो इसको नो थैंक्स करना है। तो उसके बाद इसको मैं कर देता हूँ कैंसिल, कैंसिल करना है। आपको जो भी ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालना है तो डाल सकते हो, डाल के आपको एग्री में करना है। तो मैं इसको करता हूँ नो थैंक्स। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ जो कैसे हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं, ठीक है। तो देखिए इस तरह का आप ओपन करेंगे तो आपको इस तरह का दिखेगा। आप यूट्यूब में डायरेक्ट लगा सकते हो, जो भी स्ट्रीमिंग करना चाहते हो आप इसमें से फ्री में कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्ड करके अभी दिखाने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ में कुछ सेटिंग्स है, देखिए यहाँ पे यहाँ में बेसिक सेटिंग्स, आपको सेटिंग्स करना था। उसके सेटिंग्स के बारे में अगला वीडियो में बनाऊंगा, इसका पूरा डेमो कैसे सेटिंग्स करते हैं, क्या क्या फीचर्स है, इसके बारे में अलग से वीडियो में बना दूंगा। फिलहाल आज इसकी वीडियो में इतना ही था कि कैसे हम लोग स्क्रीन रिकॉर्डर का डाउनलोड कर सकते हैं अपना डेस्कटॉप एंड लैपटॉप के लिए। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो देख के आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड साथ ही साथ बेल आइकन होगा उसको दबाइए ताकि मेरा फ्यूचर वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे, क्योंकि मैं इस तरह का रेगुलर वीडियो लाता रहता हूँ और CSC के बारे में बताता रहता है, और ब्लॉगिंग भी करता हूँ और टेक वीडियोस भी बनाता हूँ। तो आपको अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है तो प्लीज़ यहाँ पे एक लाल बटन दिख रहा होगा, सिर्फ आपको लाल बटन में क्लिक करना है, साथ में एक बेल आइकन होगा इसमें क्लिक करना है। और मैं जो भी स्क्रीन रिकॉर्डर का
लिंक है, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से आप डायरेक्टली डाउनलोड भी कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।